तो पिछले एपिसोड के थ्रू हमें ये मालूम पड़ जाता है कि वो स्पाइडर फिर से जिंदा हो जाता है। अब हमें क्लैडिस को दिखाया जाता है, वो उसी मॉन्स्टर की आवाज सुनकर उसे देखती है। उसने ऐसा मॉन्स्टर कभी भी नहीं देखा था। अब वहाँ वो मॉन्स्टर रे पर अटैक करता है पर वो उसे शॉट से रोक देता है। तभी रोज अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को रोकती है। तभी ईवाई उसकी तरफ एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है, जिस पर अलीसा अपनी एयर की फोर्स से उस पर जोर से पत्थर फेंकती है और रे उसे अपनी तलवार से बीच में से काट देता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। अलीसा काफी डर जाती है और वो रोज के गले लग जाती है। उनका टीम वर्क काम आता है। रे उनमें अपनी पुरानी टीम की झलक देखता है। अब अल्बर्ट के फ्रेंड भी रे की तारीफ करते हैं। वहाँ पीछे क्लैडिस चौक जाती है और कहती है, क्या वाकई में रे इतना स्ट्रॉन्ग है? अब हमें फिर से वो स्ट्रेंजर दिखाया जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपना चेक पॉइंट लगा देते हैं। रे उनसे कहता है, मैं और ईवाई तो हमेशा अपनी बॉडी ट्रेन करते हैं, अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, इसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। अब अलीसा और रोज दोनों रे की कमर पर चढ़ जाते हैं। ईवाई कहता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ओ हाँ ये तो ट्रेनिंग का ही नतीजा है। अब अगले सीन में हमें ये पता पड़ता है कि इस एग्जाम की टॉप स्कोरर रोज रहती है। हम देखते हैं वो तीनों लड़की रे से फिर चिढ़ रही होती हैं और कहती हैं, ये बंदा सिर्फ रोज के कारण यहाँ है। अभी वही कहता है, लगता नहीं कोई भी खुश है हमें यहाँ देखकर। तभी रे कहता है, लगता है वो मुझे देखकर ऐसा कर रहे हैं। अलीसा कहती है, तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वही कहता है, तो अभी हम ही जीते हैं, ये फैक्ट बदल नहीं जाएगा। इस बात से अल्बर्ट काफी गुस्सा हो जाता है। अब अगले सीन में हम उस व्हील चेयर पर बैठी लड़की को देखते हैं, जिसका नाम लेडिया होता है। तभी कार्ला वहाँ आती है, वो कहती है, तुमने उसे काफी जल्दी बुला लिया, काफी जल्दी। लेडिया कहती है, मुझे पता है लेकिन ये किसी जवान लड़के के लिए इनफ है। अभी वहाँ रे आ जाता है। लेडिया अपने बाल संवारती है और कार्ला उसे पिकअप करती है। लेडिया उसे बैठने को कहती है और पूछती है, क्या तुम वहाँ सही से थे? रे हाँ कहकर अपने हाथ की तरफ देखता है। तभी लेडिया कहती है, हाँ ये 5 या उससे ज्यादा साल ले लेगा। तभी रे कहता है, ये सीक्रेट फॉरबिडन टेक्निक है। लेडिया कहती है, वैसे तुम्हें इसकी जब भी जरूरत हो तुम उसे यूज कर सकते हो, वैसे भी मैंने अपना आइस ब्लेड सोर्सरर का मेंटल तुम्हें दिया है। बाय द वे मैंने तुम्हें कुछ अफवाह के कारण से यहाँ बुलाया है, वो अफवाह एनग्राम के बारे में है। एनग्राम एक कोड है राइट, लेकिन मैं किसी और चीज पर खोज कर रही हूँ। वो अपने सर पर इशारा करके बताती है दिमाग पर। देखो दिमाग और जादूगरी दोनों कनेक्ट हैं। मैंने अपने दिमाग को अनकोड किया तब मुझे 2 अलग कोड थ्योरी मिली और ये बिल्कुल नया कोड था। ब्रेन के जिस पार्ट में जादूगरी और मेमोरी स्टोर रहती है उसे एनग्राम कहते हैं। अगर ब्रेन और सोर्सरी पर रिसर्च किया जाए तो हम इस संसार का सत्य जान पाएंगे। लेडिया कहती है, हाँ लेकिन तभी ये लोग आ जाते हैं, ये बंदे जो चाहे वो कर सकते हैं। वो बताती है, अगर हम हमारा टाइम ब्रेन से जादूगरी को ढूंढने में लगाते हैं तो उस लाइन को क्रॉस नहीं करने देते जो ह्यूमैनिटी को क्रॉस करे। गंदी नाली के कीड़े अपने आप को इयूजेनिक्स कहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें ज्वाइन करूं। मैंने सुना है वो काफी सारे जादूगर से कॉन्टेक्ट भी कर रहे हैं। अब वो दोनों फॉरेस्ट में वॉक करने के लिए जाते हैं, जहाँ लेडिया कहती है कि तुम मेरे साथ हो, मुझे पुरानी यादें वापस आ गई। रे कहता है, तुम्हारा मतलब एंसवर्थ स्टाइल बूट कैंप की? लेडिया पूछती है, सही बताना रे, तुमने काफी सारे दोस्त बनाए होंगे वहाँ पर? रे कहता है, हाँ और एक एल भी जो तुम्हारी बुक पसंद करती है। रे मैं तुम्हारे सभी दोस्तों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने तुम्हारी स्माइल को इतना सॉफ्ट कर दिया। अब लेडिया बताती है उसने वो स्वॉर्ड बैटल 4 बार लगातार जीता है। अब बुक देती है जो आगे उसके काम आएगा। अब हम देखते हैं अलीसा लाइब्रेरी जा रही होती है दूसरे शहर में। वहीं रे आकर कहता है, क्या मैं साथ चलूं? इसे सुनकर अलीसा शर्मा जाती है और वो नए कपड़े पहनकर बाहर आती है। रे पूछता है, वैसे तुमने अपने कपड़े बदल क्यों लिए? वो कहती है, हम दोनों साथ जा रहे हैं इसीलिए। रे कहता है, वैसे तुम काफी बढ़िया लग रही हो। वो लाइब्रेरी में जाकर फिर से एंसवर्थ लेडिया की डायरी लेती है। अब अलीसा पूछती है, तुम क्या पढ़ रहे हो? वो कहता है, ये एक नॉवेल है जो लव पर आधारित है। अलीसा इसे देखकर चौंक जाती है। रे कहता है, मुझे ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है इसलिए मैं ऐसे नॉवेल पढ़ता रहता हूँ। अब क्लैरिस पीछे से उन्हें देख रही होती है। तभी रे उसे देख लेता है और कहता है, तुम भी हमारे साथ लंच के लिए चलोगी? क्लैरिस काफी शर्मा जाती है। अब होटल में रे उन दोनों को मिलाता है, वो दोनों की तारीफ करता है और वो दोनों शर्मा जाती है। अब खाना खा के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रे वहाँ रोज से मिलता है। रे रोज की ड्रेस और उसकी काफी तारीफ करता है। वो बताता है, आज मैंने अलीसा और क्लैरिस के साथ लंच किया। इस बात से रोज काफी जेलस होती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? वो उसे अपनी काफी सारी ड्रेसेस दिखाती है और बाद में मकड़ी से डर जाने के कारण वो बाहर आ जाती है और शर्मा के फिर से अंदर चली जाती है। अब उसकी मैम पूछती है, रे क्या तुम ठीक हो इस स्कूल में? रे कहता है, हाँ। उसकी मैम कहती है, मुझे लगा नोबल फैमिली तुम्हें काफी परेशान कर रही होगी। रे कहती है, मैं हमेशा से एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी। रे तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे आकर कह सकते हो। अब हम देखते हैं वो स्ट्रेंजर और अल्बर्ट दोनों जंगल में होते हैं और वो जंगल को जला देता है और कहते हैं, बस मेरा इंतजार करो रे वाइट।